आश्रम में इतना गंदा, इतना कूड़ा। हरामी हो गए हैं चेले। इतना गंदा तो पहले मैंने कभी नहीं देखा आश्रम में। रसोई घर के सामने इतना गंदा, इतना कूड़ा, अब तक सफाई तो नहीं हुई। गुरुजी, मैं तो रसोई का अंदर था, ये काम तो ओगड़नाथ का। ओगड़नाथ, ओगड़नाथ कमचोर हो गया है। ओगड़नाथ बुलाओ से। हाजी गुरुजी, रसोई घर के सामने इतना गंदा, इतना कूड़ा, अब तक सफाई क्यों नहीं हुई? गुरुजी अभी कर देता हूँ मैं। अब करेगा? अभी कर देता हूँ। अब करेगा? अब करेगा? अभी करूँ। यहाँ सफाई होनी चाहिए। अभी कर रहा हूँ। ता मैं हार गई, मेरी दुनिया ता मैं संवार गई। अरे तू जीता मैं हार गई, मेरी दुनिया ता मैं संवार गई। अरे राम के मेरा मन में तू बस जाएगा, सपेरे तू बस जाएगा। तने में ये समझाऊं सू, तने में दिल से चाहूं सू, तने समझाऊं सू, तने में लाड लड़ाऊं सू, तेरे बिन ना रह पाऊं सू, तने में घर ले जाऊं सू। अब हुआ ना साहब, लातों के यार बातों से नहीं मानते। और मेरा वो चेला गुल्लकनाथ कहाँ है? कहाँ गुल्लक फोड़ रहा है? गुल्लकनाथ, गुल्लकनाथ, अरे कहाँ मर गया गुल्लकनाथ? हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। अरे तू कहाँ गया था गुल्लकनाथ? गुरुजी मैं आपके लिए बूटी लेने गया था। अच्छा गुल्लकनाथ, तू मेरा सच्चा चेला है, जा इसे अंदर आश्रम में रख दे। शेख जी आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। क्यों, मैं बाथरूम करने जा रही है कहीं? जा भैया, अच्छी जगह है। अबे आई नहीं रुखसाना, बाथरूम को कह के गई है? अबे बहुत देर हो गई, आई नहीं रुखसाना। रुखसाना, रुखसाना कहाँ चली गई तू? रुखसाना, रुखसाना अगर चली गई तो मैं तो मर जाऊंगा। रुखसाना अगर तू नहीं आई तो मैं तो मर जाऊंगा तेरे बगैर। रुखसाना तू क्या तुम्हें धोखा दे के चली गई? मुझसे कह के जाती तू? शेख जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? तुम कौन ना? मैं ही तो हूँ आपकी रुखसाना। हाँ हाँ मैं ही हूँ रुखसाना। रुखसाना तू? मगर मगर वगर कुछ नहीं, मैंने अपना रूप बदल लिया है, अब तुम्हारा गुरु मुझे कभी पहचानेगा नहीं। तू क्या कह रही है रुखसाना, मेरी समझ में नहीं आया। अरे शेख जी मैं वही तुम्हारा प्यार हूँ, तुम्हारा गुरु मुझे ऐसे देखेगा तो पहचानेगा नहीं, और आज के बाद तुम्हें कभी परेशान भी नहीं करेगा। हाँ रुखसाना ये तो बहुत अच्छा किया,
और मेरा गुरु वैसे भी बहुत लालची है, और तो उसकी पहचान में भी नहीं आएगी। चलो घर चलते, अम्मी से जाके मिलेंगे। मगर रुखसाना, अम्मी तुझे ऐसे देखेगी तो क्या बोलेगी? ऐसा कर, आम लड़की की तरह लिबास बदल ले। ठीक है, बदल लेती हूँ। ठीक है तो ठीक है, बदल ले चल। चलो आगे बदलती हूँ। रुखसाना, रुखसाना कहाँ चली गई तू? रुखसाना शेख जी, अब कैसी लग रही हूँ मैं? ओबे, इतनी सुंदर। समझ गई, चलो। अरे चलो भी। रुखसाना, घर बाद में चलेंगे, पहले बैठ के बात करते हैं थोड़ी देर। यहीं बैठ जा रुखसाना, इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। हाँ शेख जी, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। ठीक है बैठ जा, बोल, क्या बात करनी है? शेख जी एक बात बताओ। पूछ रुखसाना। अच्छा शेख जी, आपको मुझे सच सच बताना पड़ेगा। शेख जी आप एक बात बताओ, अम्मी नाराज तो नहीं होंगी मुझे देख के? रुखसाना, मैंने तो अपनी अम्मी को आज तक कभी नाराज देखा ही नहीं। मेरी हर बात को अम्मी ने माना, हर इच्छा को पूरा करा। आगे वक्त का पता नहीं, घर तो चल ही रहे हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। शेख जी अगर आपकी अम्मी नाराज हो गई और मुझे घर में ना रखा तो? मगर तू ऐसे सवाल क्यों कर रही है? शेख जी मुझे सवाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा मन बहुत डरा डरा सा है। रुखसाना ऐसी बात नहीं है, मेरी अम्मी चाहती भी थी कि मेरा निकाह हो जाए। तेरी बात सुनकर मुझे भी डर सा लगने लगा, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी अम्मी मुझे घर में ना रखे और तुम अपनी अम्मी की बात मान के मुझे। अगर ऐसा हुआ रुखसाना, तू ही बता, तुझे रखूं या अम्मी को? शेख जी अगर आपकी अम्मी ने मुझे रख लिया बड़ी खुशी की बात, नहीं तो मैं अपने वापस गुरु के पास चली जाऊंगी, क्योंकि मैं किसी माँ का बेटा उससे अलग करना नहीं चाहती। तुझे पता मैंने तुझे पाने के लिए कितने वर्ष खोए? और तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कितने नाजों से पाला है? रुखसाना मेरी समझ में ये नहीं आया, हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी अम्मी तो बहुत अच्छी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी अम्मी के लिए क्या कर सकते हो? तेरी बात में समझा नहीं। समझो तुम्हारी अम्मी मुसीबत में है और वहाँ से खबर आए कि उनकी जान बच सकती है अगर तुम अपना एक बाजू दे दो तो क्या आप दे दोगे? लगता है मेरी अम्मी का और मेरा प्यार का इम्तिहान ले रही है। क्या सोच रहे हो शेख जी? रुखसाना मैं अपनी अम्मी के लिए एक बाजू तो क्या, मैं अपना सर भी दे सकता हूँ, मगर अपनी अम्मी को बचाऊंगा। जिसने पैदा किया अगर उसके ही काम ना आया तो मेरे जीने का क्या फायदा? अब मुझे यकीन हो गया कि आपकी अम्मी बहुत अच्छी होंगी। चलो अब घर चलते हैं। चलो रुखसाना। रुखसाना वो कुर्ती और बीन तो मैं रख के ही भूल गया, पता ना कहाँ, अम्मी पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा। शेख जी और कितनी दूर है आपका घर? मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। बस थोड़ी दूर हो रहा है, गांव आ गया, बाएं हाथ मुड़े और घर। चिल्ली की अम्मी? हाँ बोलो चौधरी साहब। शेख चिल्ली की अम्मी, शेख चिल्ली कहाँ है? अजी शेख चिल्ली की क्या बताऊँ, वो तो दो दिन से घर पे ही नहीं आया। मैंने तो उसे कल गोयली के अड्डे पे देखा था एक लड़की के साथ। मैं तो ये सोच रहा था ये उसकी बहू है। लड़की के साथ? हाँ हाँ लड़की के साथ। क्या काम था आपको? मुझे कुछ काम था। ठीक है जी, आ जाएगा तो बता दूंगी। चौधरी साहब आए थे, बता देना जरूर। ठीक है जी। ठीक है जाओ। तो मैं जा रहा हूँ। तो मुझे तो इस लड़के की ना पता लग रही क्या है क्या नहीं करता। देख रुखसाना वो बैठी मेरी अम्मी। ठीक है शेख जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अरे तेरी बीन कहाँ है और तू दो दिन से कहाँ था? अम्मी वो 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 ये वो वो ये वो क्या, इसे वहीं छोड़कर जहाँ से लाया? अम्मी सुनो तो सही। सुन ली, ज्यादा सफाई मत दे। मैंने गांव वालों से सुन लिया है कि तू एक लड़की के साथ बैठा बात कर रहा था। अम्मी यही तो थी। अम्मी 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 इसका नाम है रुखसाना। तू इसे लेकर यहाँ से जा रहा नहीं जा रहा? अम्मी 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 मेरी बात तो सुनो। देख अगर तू मेरी बात मानता है ना तो इसे लेकर इसी वक्त निकल जा मेरे घर से,
वरना मैं जहर खा कर मर जाऊंगी। फिर कुछ ही करिए इस घर में। अम्मी अम्मी तुम ये क्या कह रही हो? देख जो मैं कह रही हूँ वो तू भी सुन रही है ना? अगर माँ बेटे में से तू एक को भी मरा देखना चाहती है ना, तो यहीं खड़ी रह। अम्मी अम्मी तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता ये कौन है? अम्मी अम्मी पूरी सुन तो लो। मैंने सुन भी ली और देख भी ली। तू इसे ले जा रहा है यहाँ से या नहीं? या मरो अभी, फिर दोनों रहना खुशी खुशी यहाँ पे। अम्मी अम्मी एक बात बताओ, तुम चाहती क्या हो? तुम मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। मैं ये चाह रही हूँ, या तो तू मेरी मान ले, अपनी अम्मी की मान ले, या तू इसे कह दे ये यहाँ से चली जा। आप तो बोल रही थी कि मेरी अम्मी बहुत अच्छी है। अम्मी अच्छी वच्ची ना है, अपने घर का रास्ता नाप ले। शेख जी इस बात में तो मैं वाकई हार गई। मेरे गुरु ने ये परखने की तालीम मुझे गलत दे दी। मैं माँ बेटों को दुखी नहीं देखना चाहती। मेरा क्या है, मेरा जीवन तो पहले भी गुरु के ज्ञान से चलता था, आगे भी चलता रहेगा। ये टसवे बहाकर मुझे मत दिखा। तू जा रही है या नहीं जा रही है? और तू तू इसे लेकर जा रहा नहीं जा रहा? निकल जा दोनों मेरे घर से। चलो शेख जी मुझे अब जीना ही नहीं है। रुखसाना जी मेरी अम्मी पूरी तो नहीं है मेरी, पर पता नहीं क्या है अम्मी के मन में। आजा चल कोई बात ना, सब ठीक हो जाएगा। उसे मिठाई किसने दी? जी मैंने। जब हमने तुमसे कह रखा है उसको सिर्फ जीने लायक खाना दो, सूखी रोटी दो, और तुमने उसे मिठाई दे रखी है। ठीक है गुरुजी, अपनी गलती। गुल्लकनाथ अगर आज तेरी जगह कोई दूसरा होता तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ देता। तू मेरा सबसे प्यारा और सबसे न्यारा शिष्य है, जा। अपनी अम्मी को छोड़ के कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चों? अरे मैं तो देखना चाह रही थी कि मेरा शेखू मुझसे ज्यादा प्यार करता है या तुझसे। क्या अम्मी आप हमसे नाराज नहीं हो? नहीं नहीं मेरे बच्चों, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। पहले तुम्हें काजी के यहाँ ले जाके पहले तुम्हारा निकाह पढ़वाऊंगी, फिर तुम्हें घर ले जाऊंगी। सच अम्मी? चलो। है नहीं मेरी अम्मी अच्छी? बंद करो ये आश्रम, इन सब सांपों को जंगल में छोड़ दो और इस आश्रम को आग लगा दो।
इन सांपों को जंगल में छोड़ दो और इस आश्रम को आग लगा दो। मगर गुरुजी सांप तो बहुत है आश्रम में, लाके न चालो। मगर गुरुजी जंगल में तो सांप है ही नहीं, हमने तो सब पकड़ लिए। गुरुजी जो कल सांप पकड़ा था वो तो बहुत खतरनाक है, आप जकोई नाम से बुला लो। जकोई नाथ, जो कल नाग पकड़ा था उसे लेकर आओ। यहां रख दो इसे। खोलो इसे। बंद कर दो इस पिटारे को। ले जाओ इसे यहां से। अम्मी। हाँ बेटी। मैं बनाती हूँ खाना। अरे तू ही तो बनाया करेगी। लाओ मैं बनाती हूँ। तू ऐसा कर, बाहर से भगोना लिया। ठीक है अम्मी, मैं अभी लाती हूँ। भाई एक तो रुखसाने के चक्कर में काम भूल गया बीन। साली ठीक हो नहीं रही, पुरानी बीन है। मैं बजा के देखता हूँ। बप साली बप बप हो गई है। ऐसे गुरुजी ने ऐसी बतलाया था। ऐसे ठीक है, अब देखते हो बजा के। यार ना इसे क्या हो गया? शेखो बेटा। जब बच जाएगी बेटा शेखो। हाँ मम्मी। नुकसानों को कुछ हो गया, देखना चल के। चल जा चल जा। रुखसाना 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 क्या हो गया तुझे? अरे तेरा क्या हो गया था? कुछ नहीं अम्मी, मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मुझे ऐसा लगता है इसकी तबीयत खराब है, तू इसे डॉक्टर का दिखा ला। दवाई और मेरे लिए? हाँ हाँ। नहीं अम्मी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है जब ठीक है तो खाना पका। चलो अम्मी चलो खाना बनाते हैं। जाओ पकाओ। अम्मी मैं बनाऊंगी बिरयानी। चलो सब उजाड़ दो। तो सही यहीं पर हैं ये। यहाँ क्या बात हुई शंकरनाथ जी, आश्रम क्यों जुड़वा रहे हो? मुझे अपने गुरु का मान और सम्मान रखना है। जब तक मणिधारी नाग मुझे नहीं मिल जाता तब तक के लिए मैंने आदेश दिया है। मगर ये आदेश क्यों दे रहे हो शंकरनाथ जी? हम बंजारों का क्या है, आज इस जंगल में कल उस जंगल में आते जाते रहते हैं, फिर आ जाएंगे। लो आप खाना खाओ, आज मेरे यहाँ पे खुशी थी, मैंने सोचा शेखू के गुरु भाइयों को और गुरुजी को खाना ही खिलाया हूँ। मगर क्या खुशी हुई शेखू के घर में, ये हम जानना चाहते हैं। और वो कई दिन से आश्रम में भी नहीं आया और हमारे पास और उसके जैसा कोई चेला बीन बजाने वाला भी नहीं है। लो आप लोग खाना खाओ, ये बिरयानी मेरी बहू के हाथ की है। बहू, तुमने शेखू की शादी भी कर ली और आश्रम में से कोई बुलाया भी नहीं? वो वक्त ऐसा था शंकरनाथ जी, कोरोना चल रहा था
तो लॉकडाउन की वजह से आपकी और आपके चेलों की सेफ्टी की वजह से आपको बुलाया नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने बहुत अच्छा किया हमें कोरोना से बचा के और कानून का पालन किया। हम तो बहू के हाथ की बिरयानी खाकर ही खुशी मना लेंगे। आओ सब खाते हैं। ठीक है जी, आप शेखू के गुरु हो, आप खुश तो हम सब भी खुश। लो खाना खाओ। यहीं रख दो। पहले इन सब को दो, बैठ जाओ। सब उधर बैठ के खाओ। लो शंकरनाथ जी, आप भी लो। लो चम्मच। हाथ से खाना, चम्मच से कोई नहीं खाना। हैं सांप की खुशबू है, इससे क्या हो गया? इसमें तो सांप की सुगंध आ रही है। फेरो हम ये बिरयानी नहीं खाएंगे। क्यों, क्या हुआ शंकरनाथ जी, बिरयानी क्यों नहीं खाओगे? इस बिरयानी में किसी नाग की सुगंध आ रही है, या तो इसमें जहर है या फिर ये सांप की बिरयानी है। हैं? तू हमें मारना चाहती है? ये सांप की बिरयानी है, किसने बनाई है? मेरी बहू ने बनाई है बिरयानी। क्यों? हम तुम्हारी बहू से मिलना चाहेंगे, आखिर उसकी हमसे दुश्मनी क्या है? वो हमें मारना क्यों चाहती है? ये आप क्या कह रहे हो शंकरनाथ जी, ये बिरयानी मैंने उसके साथ लग के बनवाई है। तू उससे अलग हुई या नहीं? हाँ हाँ, मैं अपने शेखू को बुलाने गई थी। हम खाना शेखू के निकाह का तुम्हारे घर खाना चाहेंगे। ठीक है शंकरनाथ जी, मैं 2-4 दिन के बाद आपको पूरी तैयारी के साथ बुलाऊंगी। अब तो हम कहीं जा रहे थे लेकिन अब नहीं जाएंगे। अब जब भी जाएंगे तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई कर जाएंगे। ठीक है शंकरनाथ जी, मैं 2-4 दिन के बाद आपको पूरी तैयारी के साथ बुलाऊंगी। अब आप जाइए, कल हम तुम्हारे घर पर आएंगे। अब तुम जाओ, हम तुम्हारे घर पर ही मिलेंगे। ठीक है शंकरनाथ जी, मैं कल आपका इंतजार करूंगी। ठीक है। चलो, तुमने मना करने के बाद भी खाना खा लिया। गुरु भाई के यहाँ का खाना था इसलिए हमने खा लिया। वो कोई बात नहीं चलो, हमें लगता है हमारी मंजिल शेख चिल्ली के घर पर पूरी होगी। वो कैसे गुरुजी? मुझे लगता है शेख चिल्ली के घर में कोई इच्छाधारी नाग का साया है, मुझे बिरयानी की सुगंध से ही पता लग गया। शेख जी, अम्मी आई नहीं अभी तक, बहुत देर हो गई। रोजाना मुझे तो भूख लग रही। ठीक कह रहा शंकरनाथ, मुझे भी कुछ शक सा लग रहा, कहीं मेरी बहू नागिन ना हो। चलकर पूछती हूँ अपनी बहू से। अगर अम्मी के बिना खा सकते हो तो खा लो, मैं लाती हूँ।
अम्मी के बगैर तो मैंने कभी सांस लेना वाजिब नहीं समझा। खाना तो बहुत दूर। इसीलिए तो कह रही थी आपको बहुत भूख थी। भूख तो है मगर अम्मी के बगैर खाऊंगा नहीं। लो अम्मी भी आ गईं। आजा अम्मी आजा आजा। अम्मी आप हाथ धो लो मैं खाना लाती हूँ। अम्मी रोजाना सही कह रही है आप भी हाथ धो लो खाना खाएंगे। अम्मी गुरुजी ने खाना खा लिया क्या कह रहे थे? नहीं बेटा तेरे गुरु ने खाना नहीं खाया। हैं? मुझे पता मैं समझ गया क्यों नहीं खाया। क्या समझ गया तू? क्या पता तुझे? यही क्यों नाराज होएंगे? मैंने उनके बिगैर निकाह कर लिया ना। कोई बात नहीं है गुरु जी है मैं तो फिर मना लूंगा। बात ये नहीं है बेटा शेखू। और क्या बात है अम्मी? वो बोल रहे थे कि इस खाने में सांप की सुगंध आ रही है। तू हमें मारने आई है। तेरी बहू ने इस खाने में जहर मिलाया है। क्या खाने में जहर बता दिया? मेरी अम्मी को रुला दिया गुरु जी ने। और जाने क्या क्या कह रहा था बेटा। कह रहा था कल तेरे घर आऊंगा पूरी जमात को लेके। ठीक है आने दो। और जिस खाने को जहर बता रहा था ना वो मैं खा के दिखाऊंगी। अम्मी तुम टेंशन मत लो तुम खाना खाओ मैं हाँ खाना लाती हूँ। अम्मी रोजाना सही कह रही है भूख लग रही है बहुत। तुम्हारे बगैर हमने खाना भी नहीं खाया। ठीक है बेटा पर मेरा जी तो कर नहीं रहा। बेटी रुखसाना जा लिया। अम्मी ऐसे मत करे जी तो करवा ले खा ले खाना खा ले अम्मी खा ले रुखसाना कह रही है। नो 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 मेरी अम्मी आज मैं अम्मी को सारी खाना लिया दूंगी। आज मैंने अपनी तपस्या से पता लगा लिया है मेरी मंजिल शेख चिल्ली के घर पर पूरी होगी। कहां मर गए सारे नाथ? कहां गए रे ओगड़नाथ गुल्लकनाथ झाड़ूनाथ रसोईनाथ कटोरीनाथ चकोईनाथ? मेरा शक सही निकला। जो हमने परसों पहले नाग को मारा था वो मणिधारी नाग था और वो मणि अपनी नागिन को देकर आया था और वो ही नागिन अब शेख के घर में है। क्या गुरुजी नागिन गया खाना खाना? नहीं नहीं हमें कोई खाना नहीं खाना। हमें वो मणि चाहिए राजी या गैर राजी। ठीक है गुरुजी जैसे आप। चलो अब तुम ही बताओ अम्मी मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं? अम्मी तुम्हें ये बताना पड़ेगा मैं जीवन जीऊं या नहीं। तो चिंता मत कर बेटी। शंकर नाथ क्या धरती पे कोई भी नाथ आ जाओ बेटी तुझे जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता जब तक ऊपर वाले का कर्म है बेटा। मगर अम्मी गुरुजी आ गए तो रुखसाना का क्या होगा? कुछ नहीं होगा मैं देख लूंगी। अम्मी मैं भी ऐसे गुरु की आज्ञा लेकर आई हूँ। शंकर नाथ तो क्या उसके पुरखे भी मुझे नागे नहीं बना सकते। तुम यहाँ से चले जाओ बेटा वो आने वाला है मैं उसे भोजन करवा के वापस भेज दूंगी। क्या पता सब कुछ ठीक ही हो जाए। हाँ ये ठीक है अम्मी ना देखेंगे ना कुछ गलत होएगा। अम्मी ऐसे हम कब तक डर के रहेंगे? तुम्हें पता है अम्मी वो बहुत आवारा और बदतमीज किस्म का नाथ है। मेरे गुरुजी कहते थे ये गुरु लायक है ही नहीं। अरे मैंने तो उसे कभी गुरु समझा ही नहीं वो तो शेख चिल्ली कहने लगा बिन सीखने के लिए। मैंने कहा चल सीख ले वरना मुझे ऐसे गुरुओं से क्या मतलब। ऐसा करो तुम जाओ कहीं घूम आओ। बेटा इसे जा कहीं घुमा ला। जा कहीं गोलगप्पे ही खिला ला। नहीं अम्मी हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तुम्हें मेरी कसम है बेटा जाओ थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर घूम आओ। ठीक है अम्मी अपना ध्यान रखना जाओ।
चलो शेख जी, अपना ध्यान रखना। इसे कुछ खिला पिला कर लिया, ये कभी ऐसे लिया वे? अब बालक तो मैंने भेज दिए, अब देख ही जाएगी जो कुछ कहेगा, मैं सब सुन लूंगी। आओ आओ शंकरनाथ जी। आगे शंकरनाथ जी, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। हम तेरी बहू से मिलने आए हैं, तेरी बहू कहाँ है? वो तो शंकरनाथ जी कहीं बाहर गए हैं, फिर कभी मिल लेना आते जाते। खाना ला रही हूँ मैं, आप खाना खा लो। हम यहाँ खाना खाने नहीं आए, हम तेरे खाने में ठोकर मारते हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है शंकरनाथ, जब मैंने बोल दिया मेरी बहू यहाँ नहीं है। तू मूर्ख है, हमने तुझसे कहा था हम तेरी बहू से मिलने आएंगे, तब उसके हाथ का खाना खाएंगे। शंकरनाथ, तू मेरी बहू के हाथ का खाना खाने नहीं आया? तू मतलबी है, लालची है, लोभी है शंकरनाथ। इसका मतलब तू समझ गई। निकाल, जिसे तू अपनी बहू बनाकर इस घर में लाई है वो नागिन है, नागिन, वो मेरे पिटारे में सोएगी। शंकरनाथ, तेरी इतनी इसलिए सुन ली कि तूने मेरे बेटे को बीन सिखाई है? वरना तू हमें गुरु की जगह भी नहीं मानती। जिसके अंदर लालच, लोभ, छल कपट, उसे कौन गुरु कहेगा? चुप हो जा, मैं तेरी शर्म कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मत कर शर्म, थू तेरे जैसे पाखंडीनाथ पे। और सुन, जिसे तू अपनी बहू बता रही है वो एक नागिन है, नागिन, तुझे और तेरे बेटे को कभी भी डस सकती है, और तू उसकी तरफदारी कर रही है, बाहर निकाल उसे। शंकरनाथ, तू ये मत भूल, जिसे तू नागिन बता रहा है ना, वो मेरे घर की बहू है, और तेरे जैसे लालचियों ने ही नाथ पंथ का नाम गंदा कर दिया। जाओ अंदर जाओ और उस नागिन को बाहर खींच कर लाओ। खबरदार, अगर किसी ने भी अंदर झांकने की कोशिश की, लाशें बिछा दूंगी लाशें। और सुन शंकरनाथ, अगर मेरे बहू बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। निकल जाओ मेरे घर से, इसी में भलाई है। तो तू भी ये सुन ले, शंकरनाथ जो चाहता है वो करता है। मुझे मणि के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। जब मुझे मणि मिल जाएगी मैं दुनिया पे राज करूंगा, राज। शंकरनाथ, अगर ऊपर वाला तेरे जैसे को राजा बना दे तो उसे कौन पूछेगा? जा जा, निकल जा अपनी इज्जत लेकर। बंजारन, मुझे पहले ही पता था तू यही कहेगी, इसीलिए मैं पहले ही चिट्ठी लिखवा कर लाया हूँ। ला चिट्ठी दे। पकड़ लो इसे। छोड़ा। ये चिट्ठी इसलिए रखवाई है कि तेरा बेटा इसे पढ़ेगा और हमारे अड्डे पर आ जाएगा। छोड़ मुझे, छोड़ दो। शेख जी जल्दी चलो, हमें बहुत देर हो गई, अम्मी नाराज हो जाएंगी। रुक्सा मेरी बात सुन, हम जब अम्मी के घर जाएंगे ना, हम तो कह देंगे हमें तो भूख लग रही थी। बेटा जरूर आएगा, तुझे छुड़ाने जरूर आएगा। शंकरनाथ, तू बहुत गलत कर रहा है। ए पागल बुढ़िया, आएगा वो जरूर आएगा, उस नागिन को लेकर जरूर आएगा। चलो छोड़ दो, छोड़ दो हराम जादू, छोड़ दो। इसे यहाँ बांध दो। अरे हाँ, अम्मी भी तो भूखी होंगी और वो तो हमारे बिना खाना भी नहीं खाती। चलो जल्दी चलो। खाना!
पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाना तो तुझे खाना पड़ेगा, जरूर खाना पड़ेगा, क्योंकि तुझे जिंदा रहना है। अरे तू ही तो मेरी मणि का जरिया है, जिसको अंजाम मेरा गुरु नहीं दे सका उसको अंजाम मैं दूंगा। खाना तो तुझे खाना पड़ेगा, जो काम मेरा गुरु नहीं कर सका उस काम को मैं पूरा करूंगा। मणि तो मुझे मिलेगी और वो मणि तू मुझे दिलाएगी। शंकरनाथ तू खुद सोच, जब तेरे गुरु की पीढ़ी ने भी मणि के दर्शन नहीं किए तो तू किस खेत की मूली है? चुप हो जा हरामजादी, शंकरनाथ नाम है मेरा, शंकरनाथ नाम है मेरा। मेरा गुरु कटोरा नाथ वो मूर्ख था तो उसमें मैं क्या करूं? मैंने अपना नाम अपनी मेहनत से बनाया है। अब देखना तेरी बहू मुझे मणि देगी और यही देगी। तू ये मत भूल शंकरनाथ, ये मुझे पता है कि उस नागिन से मणि लेने के लिए तेरे आश्रम में कोई बीन बजाने वाला नहीं है, यहाँ तक कि तू भी नहीं। सोच, तू मणि कैसे लेना? हम सब जानते हैं हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया था और मैंने सारे आश्रम को बीन बजानी सिखाई है। गुरु जी शेख चिल्ली जैसी बीन तो आप भी नहीं जानते। अरे हम हंस इसलिए रहे हैं कि शेख चिल्ली अब यहाँ बीन बजाएगा और मेरा मणि लेने का तरीका और आसान हो जाएगा। मेरा बेटा कभी बीन नहीं बजाएगा। शेख चिल्ली यहाँ बीन जरूर बजाएगा और मेरा मणि लेने का सपना पूरा हो जाएगा। मेरा बेटा कभी बीन नहीं बजाएगा। बजाएगा, वो बजाएगा बीन, जरूर बजाएगा। नहीं बजाएगा, वो बिल्कुल बीन नहीं बजाएगा शंकरनाथ, वो मेरा बेटा है, उसने मेरा दूध पिया है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो मर जाएगा लेकिन कभी बीन नहीं बजाएगा, मैंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। वो बजाएगा बीन, अगर वो तेरा बेटा है तो मेरा चेला है, मैंने उसे हुनर सिखाया है, इसे सड़ने दो भूखी, चलो। अम्मी, अम्मी, सेठ जी, अम्मी कहाँ गई? अम्मी की तो कोई खाट खड़ी कर गया। अम्मी कहाँ चली गई? रुखसाना, वाह रुखसाना, मुझे लगे अम्मी कहीं पड़ोस में इतना चली गई बैठ में, हमें भेज दिया गोले गप्पे खाने। और ये क्या कहता पड़ा? एक तरफ हट, तवा भी यहाँ पड़ा। सेठ जी, क्या? मुझे तो कुछ सक्सा लग रहा है, ये देखना, ये पढ़ना, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। मैं कौन था पास हूँ, अलग जोड़ जोड़ का पढ़ता हूँ। शेख चिल्ली अगर अपनी अम्मी की जान की सलामती चाहता है तो तेरी घरवाली इच्छाधारी नागिन है, उसे हमारे पास ला और अपनी अम्मी को ले जा, वरना मैं तेरी अम्मी को मार के लाश के भी टुकड़े टुकड़े। तेरा गुरु शंकरनाथ, तेरा गुरु शंकरनाथ अम्मी को ले गया, रुखसाना को ला और अपनी अम्मी को ले जा, अब मैं क्या करूँ रुखसाना? शेख जी, मैं आपके साथ हूँ। रुखसाना, तू नहीं जानती, वो मणि के लालच में अम्मी के साथ कुछ भी कर सकता है, वो तेरी मणि हड़पना चाहता है, वो पूरे नाग राज्य पे राज करना चाहता है। शेख जी, उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा और मैं आपके साथ हूँ ना, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अरे कहाँ जा रहे हो, मुझे तो खोल जाओ हराम जादो। शंकरनाथ ऊपर वाले के
से डर, तुझे भोगना पड़ेगा। मुझे खोल दे, खोल दे शंकरनाथ। हाय अल्लाह, खोल दो मुझे। फड़फड़ा और फड़फड़ा। सुन, जब तक फड़फड़ा जब तक मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं होता। आएगा आएगा, वो जरूर आएगा। नहीं आएगा। शंकरनाथ, अल्लाह से डर, तू ये गलत कर रहा है शंकरनाथ। जब तक वो नागिन यहाँ नहीं आ जाती तब तक तुझे यही भूखा प्यासा रखूंगा। शंकरनाथ, तेरे जैसे इंसान को तो इंसान कहने में भी शर्म आती है। मुझे इंसानियत मत सिखा। तू जब तक यहाँ से नहीं जाएगी, जब तक तेरा बेटा उस नागिन को लेकर यहाँ नहीं आ जाता। जो तू सोच रहा है, तेरी सोच कभी पूरी नहीं होगी। ज्यादा पटपट करी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वो तेरा बेटा है तो मेरा चेला भी है। मैं उसका गुरु हूँ। गुरु शंकरनाथ, मैंने तुझे पहचानने में बड़ी भूल कर दी, वरना मैं अपने बेटे पे तेरा सर तक पड़ने नहीं देती। चुप कर, उसी की वजह से तो मैं मणि के पास हूँ। मेरी बरसों की तपस्या पूरी होने वाली है। तेरे ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे। सुन, तेरी तरह बरसों पहले एक नागिन को पूछने में मैंने ऐसी सजा दी थी कि आज तक वो मेरे पास जंजीरों में बंद है और खाना भी चीने लाग देता। शेख जी, जरा रुको, मैं अभी आती हूँ। बार उजाना कहाँ चलेगी? मौसम भी एकदम खराब सा हो गया। सूरज अपने घर को जाना दिखे, अब कहाँ चलेगी? बहुत देर लगा दी। शेख जी, मैं ये लिबास बदलने गई थी। क्यों? ऐसा ना हो वो दुष्ट अम्मी को परेशान कर रहा हो। मगर रुखसाना, तुझे पता हमारे गुरुजी का आश्रम यही है। चलो अंदर चल के देखते हैं। चलो शेख जी, चलो। हाँ चल चल, का वासी आ रही है, चल जल्दी चलो वासी। शंकरनाथ, तेरे गुनाहों को तो अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता। तेरे जैसे इंसान को थू, थू, थू। शंकरनाथ, शेखू, मेरा बेटा शेखू। मैं आ गया शंकरनाथ, मेरी अम्मी को छोड़ दे। सेठ चिल्ली, तू मेरा नाम लेकर बोलता है, तहजीब भूल गया, अपने गुरु का नाम लेता है। शंकरनाथ, तहजीब के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। लालची जो काम करता है लालच में, उसे भड़वा गिरी कहते हैं। रही गुरु चेले की बात, वो आज तूने खत्म कर दी। वरना कोई नहीं चाहता कि अपने गुरु की इस तरह से बेइज्जती करे। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है तुझे ऐसे ही बोलना चाहिए था। और सुन, ये जो तेरी बीवी है ना, ये औरत नहीं, नागिन है, नागिन। ये सब तेरा झूठ है शंकरनाथ। तू मेरी अम्मी को छोड़ दे। छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त, जब तक तेरी बीवी नागिन नहीं बन जाती और मुझे वो मणि नहीं मिल जाती, तब तक सोच लो। शंकरनाथ, ये मेरी बीवी है, बीवी कोई नागिन नहीं है। तू हद से आगे बढ़ रहा है। बोली, बोल बोल, मैं चाहता हूँ तू बोले, मगर नागिन बनकर। लाओ बीन ला कर दो।
तू ये मत भूल शंकरनाथ, ये बात मुझे पता है, मेरी बहू से मणि लेने के लिए तेरे पूरे आश्रम में कोई पैदा नहीं हुआ जो बीन बजा दे, यहाँ तक कि तू भी नहीं ना? शेख चिल्ली, तू बीन बजाएगा अपनी बीवी के सामने और इसे नागिन बनना पड़ेगा। मैं समझ गया, तेरे जैसी बीन कोई बजा ही नहीं सकता जिस पर ये नागिन बने। शंकरनाथ, ये तेरी गलतफहमी है, मेरी बीवी कोई नागिन नहीं है। शंकरनाथ, मैं बीन नहीं बजाऊंगा। तू बजाएगा और जरूर बजाएगा। वरना तेरे सामने तेरी अम्मी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं नहीं शंकरनाथ, तुम अम्मी को कुछ मत कहना। सेठ जी, तुम उठो, बीन बजाओ और मैं नाचूंगी। तू ये क्या कह रही रुक्साना? अम्मी, मुझे मेरे गुरु की बात याद है। हमेशा सच की जीत होती है। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम जरूर जीतेंगे। हाँ, हाँ, क्या तूने मेरी बात मान ली? तू बीन बजाएगा? बजा बजा, वरना मैं सबको खत्म कर दूंगा।
पर होगी पूरी, नाचूंगी पर होगी पूरी। बजा बीन, वरना तुम सबको मौत की नींद सुला दूंगा। शंकरनाथ, मैंने कहा था ना कि ये लालच तेरे एक दिन जान ले लेगा। रुक्साना, आखिर तूने वही किया ना? अरे तूने तो अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं कभी लड़की से नागिन नहीं बनूंगी। बन गई ना तू नागिन, तोड़ दिया तेरे अपने गुरु का वचन। सेठ जी, एक औरत के लिए उसके पति और उसके परिवार से बढ़ के कोई वचन नहीं होता, और मैंने अपने गुरु से ही आगे लेके इस पाखंडी को डसा है नागिन बनके। तूने बहुत अच्छा किया बेटी, जो इस दुष्ट को डस लिया। लेकिन बेटी, आज से एक कसम खा कि तू कभी नागिन नहीं बनेगी। अरे मुझे तो पहले ही पता था इसका अंत ऐसे ही होगा। अम्मी, आपको बता दिया था? हाँ बेटी, मुझे शंकरनाथ ने पहले ही बता दिया था। तूने जो खाना बनाया था ना, उसमें से इसे सुगंध आ गई थी। इस दुष्ट ने नहीं खाया था, बाकी सब ने खाया था। ये भी अच्छा हुआ अम्मी कि उस दिन इसने मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया, वरना आज ये मेरे जहर से नहीं मरता। रुक्साना, तूने बहुत अच्छा किया, वरना ये धरती पर और जन कितने पाप करता। रुक्साना, ऐसे पापियों को गुरु कहने में भी शर्म आती है, शर्म। और ऐसे आश्रम में ऐसे भोले भाले लोग पाखंडियों की सेवा करते रहते हैं। रुक्साना, ऐसे दुष्ट गुरु को मैंने सब कुछ मानकर सब कुछ सहता रहा। मेरे गुरु भाई इसे सब कुछ मानकर इसके पाप से अज्ञान रहे। हमने कभी इसे अपने से दूर नहीं माना, लेकिन हमें क्या पता ऐसा पापी गुरु हमें ऐसी शिक्षा देगा। ऐसे पापियों का अंजाम यही होता है बेटा। शेख भाई,
आज से हम सब तुम अपना गुरु मानते हैं। क्या सोच रहा है बेटा, कर दे? हाँ हाँ कर दू। हाँ सही जी, कर दो। हाँ तो बस अब सब हम साथ रहेंगे।